नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले दिल्ली से खबर, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। केजरीवाल को ईडी की गिरफ्तारी से राहत नहीं मिल पाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है और मामले को 22 अप्रैल के लिए टाल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में अंतरिम राहत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। केजरीवाल हाईकोर्ट से चाहते थे कि उन्हें ईडी की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी जाए। अदालत ने कहा कि अब इस आवेदन को केजरीवाल की मुख्य याचिका के साथ सूचीबद्ध कर दिया है, जिस पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल के बीच अब कोई गठबंधन नहीं है। 2022 के चुनाव तक ही गठबंधन था, 2024 में कोई नहीं गठबंधन नहीं है। इससे पहले भी सपा के कई साथी उन्हें छोड़ चुके हैं। गौरतलब है कि महागठबंधन के साथी एक एक कर अखिलेश यादव को छोड़ रहे हैं या फिर खुद अखिलेश उनसे रिश्ता खत्म कर रहे हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर ने 2022 चुनाव के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली थी और अब अपना गठबंधन तोड़ लिया था। कुछ हफ्ते पहले ही आरएलजी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी सपा से अपना गठबंधन खत्म कर बीजेपी के साथ हो गए थे और अब पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल के से गठबंधन खत्म होने का ऐलान खुद अखिलेश यादव ने कर दिया है। हमारे बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनका साथ मिलने वाला, उनके समर्थक सहयोगी इस लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई है उसमें हमारा समाजवादियों का पूरा साथ देंगे, गठबंधन का साथ देंगे, इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। इसके लिए मैं सुनील सिंह जी का और उनके सभी सहयोगी समर्थकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। 22 का गठबंधन था, 24 में नहीं है। 22 का गठबंधन था, 24 में नहीं है। वही लखनऊ से बड़ी खबर, आबिद अली को बसपा ने बड़ा इनाम दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से खबर है जहां आबिद अली को बहुजन समाज पार्टी से बड़ा इनाम मिला है। बहुजन समाज पार्टी से आंवला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे आबिद अली। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। सपा से इस्तीफा देकर उन्होंने बसपा ज्वाइन करी थी, तो अभी कुछ दिन पहले ही आबिद अली ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया था और बसपा ज्वाइन करी थी। और अब खबर यह है कि बीएसपी से आंवला सीट से जो है इन्हें प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी बनाएगी। वहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आज बिजनौर पहुंचे, जहां उन्होंने नगीना लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला बोला और बीजेपी को चंदा लेने वाली पार्टी करार दिया। साथ ही दावा किया कि उनको लेकर लोगों में भारी उत्साह है, उनका किसी के साथ मुकाबला नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी से टिकट ना मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई धोखा नहीं हुआ है। पच्चीस हजार लोग जान गई, किसी नेता को तकलीफ नहीं, ना राष्ट्रीय स्तर के, ना प्रदेश स्तर के, ना यहाँ लोकल स्तर के। मैं ही था ऐसे बिजनौर में जो रात को 10:30 बजे तक हड़ताल पे बैठा रहा, धरने में बैठा रहा कि यहाँ के लोगों की जीवन रक्षा भी करो। तो मैं तो नगीना से इस तरह प्यार करता हूँ जिस तरह से लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं। ये वो मिट्टी है जिसने बहुत लोगों को इज्जत दी है। मैं बस सीधा ये कह रहा हूँ, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। वो अपने अपने प्रत्याशी उतारें और उनके प्रत्याशी जाके फील्ड में काम करें, उनके लिए मेरी मंगल कामना है। लेकिन हम इस नगीना की जनता के लिए काम करेंगे, क्योंकि नगीना ने बहुत लोगों को मौका दिया। नगीना के बारे में किसने नहीं सोचा, बिजनौर के बारे में किसने नहीं सोचा।
वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग कई एप्स के जरिए अपने क्षेत्र में नजर रखने के साथ ही प्रत्याशियों और वोटर्स की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए काम कर रहा है। इस एप्स के जरिए मतदाताओं को घर बैठे ही एक क्लिक में काफी मदद मिल सकेगी। मतदाता ऐप के जरिए अपनी सारी जानकारी भरने के साथ ही दूसरी जानकारियां भी ले सकते हैं जिन्हें प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। दृष्टिगत समस्त तैयारियां कर ली गई है। कुछ ऐप ऐसी हैं जो कि बहुत अधिकता से प्रयोग में लाई जा रही है, जैसे CVG लैब है। CVG लैब के माध्यम से कोई भी व्यक्ति फोटो खींचकर या वीडियो बनाकर जो है वो ऐप के माध्यम से भेज सकता है, जिसपे FST तुरंत कार्रवाई करती है। इसमें 100 मिनट के अंतर्गत कार्रवाई सम्पन्न की जाती है। दूसरी ऐप होती है सुविधा ऐप के माध्यम से कोई भी अगर आपको परमिशन लेनी है या फिर रैली के लिए लेना है, रोड शो करना है, तो उसके लिए परमिशन आसानी से ली जा सकती है। वहीं बदायूं में 2 बच्चों की घर में घुसकर निर्मम हत्या के मामले में यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी पुलिस ने इस हत्याकांड के दूसरे आरोपी जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक जावेद दोनों बच्चों की हत्या के बाद पहले दिल्ली भाग गया था, इसके बाद उसे बरेली से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बदायूं हत्याकांड के अन्य आरोपी साजिद को पुलिस ने पहले ही एनकाउंटर में मार गिराया था। वहीं जावेद की अरेस्ट पर बच्चों के पिता का बयान भी अब सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि जावेद का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, हत्या क्यों हुई ये पता लगाना चाहिए। फरार ने इसको गिरफ्तार किया है और उससे पूरी पूछताछ की जाए, और पूछताछ करने पे ही उसको पता चलेगा कि हम इसने ऐसा कनाना काम क्यों किया। अब जो मान लो पकड़ गया, मान लो अगर इसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा तो फिर पता ही राय नहीं खुलेगा हमारा, और राय खुलना जरूरी है। अगर पता हो सकता है कि इसके पीछे और कोई भी हो लो, तब पता चले कि हाँ कि कितने लोग इसमें साजिश में है, या किसी ने साजिश करके हमको बच्चों को मरवाया है, हमारे सब घर को मरवाना चाहता था, वो तो मम्मी को भी मार देता और हमारे मैडम को भी मार देता। तो इस चीज को जो है कि जरा पुलिस प्रशासन जो है इस पर ज्यादा गौर में ध्यान दें, इसको ऐसे गिरफ्तार किया जाए। दूसरे आरोपी को पकड़ने के लिए हमारे द्वारा 5 टीमें लगाई हैं जनपद में, लगातार प्रयास करें उसको पकड़ने के लिए, इंक्लूडिंग जो SOG की टीम है वो भी उसमें काम कर रही है, और उसके जितने भी नाते रिश्तेदार हैं सब जगह तलाश की जा रही है उसकी, और सारे प्रयास इस बात के लिए किए जा रहे हैं कि हम उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर लें। जी हाँ, उसके ऊपर 25,000 रूपये का इनाम उसकी गिरफ्तारी के लिए घोषित किया गया है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को प्राप्त हुई है उसके हिसाब से जो बड़ा बच्चा है आयुष, उसके ऊपर 14 घाव हैं, इंसाइज्ड वुंड्स हैं, धारदार हथियार से किए गए हैं, और जो हमने हथियार बरामद किया है मर्डर वेपन वो उससे मैच करता है, मेल खाता है। और जो दूसरा बच्चा है अहान, उसके ऊपर 2 चोटें हैं, वो भी इनसाइज वुंड है, एक गर्दन पे चोट है, एक चेहरे पे चोट है, बड़े बच्चे के भी हाथों में भी चोट है। तो इस प्रकार और सारे वुंड्स इनसाइज वुंड हैं, और जो कॉज ऑफ डेथ है वो शॉक एंड हैमरेज बिकॉज ऑफ एंटीमार्टम इंजरीज, ये डॉक्टर के द्वारा बताया गया है। वहीं जावेद की गिरफ्तारी से पहले उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद को निर्दोष बताता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उससे पूछताछ करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इंडिया वॉइस इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। मैं तुरंत वहां से आया बदायूं के लिए, वहां पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा तो है, मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा है। बात सुनो, तुम भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो मैं देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका एनकाउंटर? मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है। वहीं बदायूं में डबल मर्डर को लेकर हमारे संवाददाता ने घटनास्थल का जायजा लिया और पड़ोसियों से बातचीत कर हत्या की वजहों को जानने की कोशिश की।
तो आपको बता दें कि एक दिन पहले जिस तरह से दो मासूमों की हत्या की गई थी उसको लेकर के देखिए, मैं उस घटना स्थल पे हूँ। कैमरा पर्सन से कहूँगा कि पीछे का एरिया दिखाए, जिस तरह से साजिद की जो पीछे दुकान थी, साजिद की पीछे दुकान थी और जिस तरह से उसने जब जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उसके जो है 20 मीटर की दूरी पर जो है संगीता ब्यूटी पार्लर, जो बच्चों की माँ थी वो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, और जिस तरह से दो बच्चों के कत्ल के बाद साजिद का एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था, और जाबिद पर कल एसएसपी ने 25,000 का इनाम रखा था जिसे आज बरेली की बारादरी थाने से गिरफ्तार कर लिया गया है। बारादरी पुलिस ने जो है बदायूं पुलिस को उस सौंप दिया है, जिससे पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है। हमारे साथ यहाँ इनके कुछ परिजन हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है और उसके बाद जो 25,000 का इनामी था, दूसरा आरोपी था, वो भी गिरफ्तार हो गया है। क्या क्या नाम है आपका, कैसे रिश्तेदार रखते थे? मुझे मंगलवार की रात को मेरे साथ तो मैं गाँव से चुना है, जिस तरह से देखिए बदायूं पुलिस ने तत्काल में कुछ ही घंटों में एक आरोपी को ढेर कर दिया और दूसरे एक पर 25,000 का इनाम रखा था, जिसके बाद उस आरोपी को आज जो है बरेली से गिरफ्तार कर दिया है। क्या कहेंगे इस पर? और जो उसका दूसरा भाई जाबिद पकड़ा गया है उसके से खाली पूछताछ की जाए कि वास्तव में ये उसने अपना गलत कार्य अपना मतलब जो है बच्चों की जो मतलब जो मारा है तो ये उसने क्यों किया, किसी कहने पर किया है या किसी मतलब उसकी कोई पुरानी परेशानी थी या कोई भी है उसके लिए मतलब जो है कड़ी सी और सारी पूछताछ की जाए। बिल्कुल, जिस तरह से देखिए पिता का एक बयान निकल करके सामने आया था कि कहीं ना कहीं देखिए एक आरोपी को जिस तरह से पुलिस ने ढेर कर दिया था तो दूसरे को जिंदा गिरफ्तार किया जाए और उससे ये जानकारी जुटाई जाए कि इसके पीछे का कारण क्या था। पिता के साथ साथ उनके जो परिजन हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो भी इस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इतने बड़े हत्याकांड के पीछे आखिर वजह क्या थी। इंडिया वॉइस के लिए बदायूं से विजय राठौर। वहीं बदायूं डबल मर्डर में मृतक बच्चों की मां से भी बातचीत की हमारे संवाददाता विजय कुमार ने। इस दौरान क्या कुछ कहा पीड़ित की मां ने, आइए आपको सुनवाते हैं। जिस तरह से बदायूं पुलिस ने 25,000 का इनाम चाबी को रखा था उसकी भी गिरफ्तारी करने के लिए एक बार जो बच्चों की माँ है उनसे कि क्या इस पुलिस की कार्रवाई की है, आप संतुष्ट हैं? पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे आप संतुष्ट हैं? सलून चलाता है सामने, इस वजह से उसे ये भैया कहते थे बाल वगैरह कटता, उससे ये पूछा जाए कि उसने मतलब इसके कहने पे किया या क्या बात हमारे बच्चे क्यों बेकसूर क्यों मारे, कोई वजह कोई बात ये पता है? अच्छा, आपका कोई पुराना कोई नहीं, हमारा किसी से वही तो वही बताएगा ना किसी की मतलब किसी से करवाया नाम बता चलिए मैं उससे मौत की
जिस तरह से देखिए पिता का बयान आया था कि एक बार जिस तरह से साजिद को ढेर कर दिया था तो इसको जिंदा गिरफ्तार करने के बाद उससे जानकारी ली जाए कि इतनी बड़ी घटना की आखिर वजह क्या थी, बताइए उसे इंडिया वॉइस के लिए विजय। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने पर कांग्रेस ने आज केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन समेत अन्य दिग्गजों ने सिलसिलेवार आयकर विभाग की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने से मुश्किलें और चुनौतियां भी गिनाई। साथ ही सोनिया गांधी ने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि पैसे नहीं होने से नेताओं को दूसरे शहर तक नहीं भेज पा रहे हैं, रेल टिकट तक नहीं खरीद पा रहे हैं। साथ ही अजय माकन का कहना था कि पार्टी चुनावी पैम्पलेट्स तक नहीं छपवा पा रही है, विज्ञापन बुक नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही चुनावी तैयारियां नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस नहीं, लोकतंत्र को फ्रीज कर दिया गया है, हमें असहाय बनाकर चुनाव में उतारना चाहते हैं। Anybody in the country imagines what happens when your bank account, your ATM card, your entire financial identity is erased, right? You can imagine if it is done to a family, the family will starve to death. If it is done to a business, the business will be crippled, right? This is what has been done to the Congress party 1 month back. All our bank accounts have been frozen. We can do no campaign work. We cannot support our workers. We cannot support our candidates. Our leaders cannot fly from one part of the country to the other. Forget fly. They can't take a railway train. And this has been done literally 2 months before the election campaign. Why has it been done? One notice comes from the 90s. Another notice comes from 6-7 years ago. Quantum amount, 14 lakh rupees, and punishment, our entire financial identity. Right? What's interesting to me is that there are institutions in this country that are supposed to protect the democratic framework. There are the courts in the country, there's the election commission in the country, right? And nothing is happening. The Election Commission has not even said, wait a minute, you have frozen the bank account of the largest, of one of the biggest political parties, largest opposition in the country. And already our ability to fight the election has been damaged. We've already lost a month. This is a criminal action on the Congress party. And it's a criminal action done by the Prime Minister and the Home Minister. It's very clear. This type of activity does not happen without them in today's India. And so the idea that India is a democracy, this is a lie. There's no democracy in India today. The idea that India is the world's largest democracy is a lie. It's a complete lie. 20% of India votes for us, and we are not able to pay 2 rupees for anything. Right, and it has been orchestrated to cripple us in the elections. Now, even if our bank accounts are unfrozen today, huge amount of damage has been done to Indian democracy. वहीं हमीरपुर में इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां ओवरलोडिंग की खबर को इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से चलाया, जिसके बाद गहरी नींद में सोया आरटीओ प्रशासन अपनी नींद से जग गया है और एआरटीओ अमिताभ राय ने ओवरलोडिंग ट्रकों पर कार्रवाई की और 60 ट्रकों से 4 लाख का जुर्माना वसूला। बता दें कि ये कार्रवाई सुमेरपुर वाया हमीरपुर मार्ग पर सघन चेकिंग के दौरान देखने को मिली।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रुपेश गुप्ता हमीरपुर से लाइव जुड़ गए हैं। रुपेश, इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था जिसके बाद तुरंत एक्शन लेते हुए कई सारे ट्रकों से जो है जुर्माना वसूला गया, क्या जानकारी इसको लेकर? जी मैं आपको बता दूं, जो हमीरपुर के जिला प्रशासन है उसने जैसे इंडिया वॉइस की खबर चलती है इसके बाद खबर को संज्ञान लेकर और इसके बाद जो ARTO को परिवहन विभाग को सख्त आदेश देते हैं और कार्रवाई कराते हैं। इसके बाद जो रोड पे NH34 पर जो ओवरलोड ट्रक निकल रहे हैं और जो वहाँ से गिट्टी मोहरम के ट्रक निकल रहे हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाती है और जो रोडें खराब हो रही उसी को लेकर जिला अधिकारी ने सख्त आदेश दिए हैं। और अमिताभ राय ने आज सुबह चेकिंग अभियान चलाया और वहीं पर राजस्व 4.5 लाख रुपए करीब राजस्व वसूला और करीब आधा दर्जन के ऊपर ट्रकों का चालान किया और सीज की कार्रवाई की गई है। रुपेश, जिस तरह से ट्रक्स में ओवरलोडिंग ना हो, ओवरलोडेड ट्रक्स की वजह से कोई दुर्घटना ना हो, ऐसे में और क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? जी, जिलाधिकारी का सख्त आदेश है कि ओवरलोड ट्रक यहाँ से नहीं निकले और ज्वाइंट सेटिंग भी लगाई जाए। रुपेश, कई बार ऐसे मामलों में क्या होता है कि प्रशासन का एक्शन देखने को मिलता है, कुछ दिनों तक वो चीज चलती है, कुछ दिनों तक चेकिंग होती है, कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बाद ढील बरत देता है प्रशासन। ऐसे में हमीरपुर की बात करिए जाए, कैसी तस्वीरें सामने आ रही है, हमीरपुर में क्या एक्शन लगातार लिया जाता है? आपको बता दूं, एक्शन सभी लिया जाता है, ठीक है। रुपेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बाबा बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी धीरेंद्र शास्त्री इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में है जहां उनकी हनुमान कथा चल रही है। यहां उन्होंने मुरादाबाद का नाम बदलकर माधव नगर करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने कई कारण भी गिनाए हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि भारत में इतने नाम बदले गए हैं, जब फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या हो सकता है, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो सकता है, तो मुरादाबाद को अब माधव नगर कर देना चाहिए। खबर लखनऊ से है जहां लखनऊ के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक बुजुर्ग का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। हुसैनगंज में एक बुजुर्ग अचानक पानी की टंकी पर चढ़ गया। बुजुर्ग के हाथ में बोतल में पेट्रोल भी था। बुजुर्ग का आरोप है कि तहसीलदार और लेखपाल उससे लोन जमा करने के बाद भी लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। वहीं मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची और बुजुर्ग को समझा बुझाकर नीचे उतारा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।